मोदी जी ने हरियाणा में बयान दिया है कि अगर हरियाणा में रोजगार को बढ़ावा देना है तो मोदी सरकार को ही लाइए, सहमत है इस बात से? बिल्कुल सही, 100% सही है। इसलिए कि राहुल गांधी को खटाखट वाला योजना के बाद जो चमत्कारी हुई हिमाचल में मिला, हिमाचल में सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है तो रोजगार वहाँ मिलना नहीं है। फिर अगर वही हाल अगर कांग्रेस फिर हरियाणा में, तो हरियाणा का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो सही बता रहे हैं। पर अभी इन 10 सालों में पूरे देश में सबसे ज़्यादा राज्य जहाँ पे बेरोजगारी है वो कौन सा राज्य है? मुझे तो नहीं, देखो बेरोजगारी हरियाणा है, तो रोजगार की बात कैसे कर रहे हैं? रोजगार आप सरकारी रोजगार को रोजगार मानते तो हम नहीं मानते, वैसे रोजगार है, सरकारी जॉब संभव नहीं है, ठीक है, और प्राइवेट जॉब हर जगह है, उसको मानता नहीं लोग, नहीं मानता उसे, वही बेरोजगार है। हम तो बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, जिसको टैलेंट है रोजगार है उसके पास। तो इतना 30% से ऊपर बेरोजगारी कैसे बढ़ गई है? मैं वो कह रहा हूँ रोजगार उसको मानता जो सरकारी, केवल सरकारी ही रोजगार नहीं है, प्राइवेट रोजगार रोजगार है, सबको प्राइवेट रोजगार मिल रहा है, सबको है। तो जो सरकारी लेना चाहता है, सरकारी बाबू बनना चाहे फ्री का खाने के लिए, वो चाहता है कि सरकारी रोजगार मिले। जैसे आप यहाँ की देख लो, सरकारी ये प्राइवेट हो गया था, फिर उसको सैलरी नहीं मिल रही है, फिर ये गंदखाना हो गया। तो सरकारी रोजगार हम लोगों के लिए भी सही नहीं है, देश के लिए भी सही नहीं है। प्राइवेट हो, प्राइवेट में सही काम भी होता है, चाहे बिजली देख लो, चाहे रेल देख लो, चाहे मेट्रो देख लो। सरकार क्या करेगी फिर रोजगार के लिए? सरकार क्या करेगी अगर प्राइवेट दे रहा है ना? प्राइवेट भी तो बढ़ावा दे रहा है, सरकारी तो जॉब क्रिएट करवा रहे हैं, प्राइवेट में क्या करवा रहे हैं? प्राइवेट नई फैक्ट्री बनवाई मोदी, फैक्ट्री है चाहे सैमसंग की हो, मोबाइल की हो, एरोप्लेन की हो, जो भी सामान बन रही है तो सरकार की तो है ही उसमें, सरकार तो उद्योग के साथ मिलकर दे ही रहा रोजगार। तो ये रोजगार है, केवल सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानते तो ये ठीक नहीं है। सरकारी रोजगार नहीं मिल सकती, सबको नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके लिए फिर जनसंख्या काबू होना अनिवार्य है। अच्छा, तो सिर्फ प्राइवेट नौकरियां मिलेंगी, सरकार क्या करे? क्योंकि कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वादा कहाँ गया? रोजगार मिल रहा है, कह तो रहा हूँ सरकारी रोजगार को रोजगार नहीं, मुद्रा लोन मिल रहा है और भी स्किल इंडिया सब कुछ मिल रहा है, रोजगार तो मिल ही रहा है। रोजगार प्राइवेट रोजगार को रोजगार बोलो, रोजगार हर तरह की है, रोजगार जो चाय बेचता है वो भी रोजगार ही है, चाय वाला भी है, पकौड़ा वाला भी है, कपड़े बेचते हैं, मशीन वाला है, सिला भी है, फिर नौकरी रोजगार केवल आप सरकारी रोजगार को रोजगार घोषते रहोगे कि वही रोजगार है तो सब घर पे बैठे रहेंगे। ऐसा कि इसको भी सरकारी नहीं है घर पे बैठे हैं, इनको भी सरकारी नहीं है घर पे बैठे हैं, रोजगार सब रोजगार भाई साहब लाखों की लाखों की पढ़ाई करके पकौड़ा बेचेगा? नहीं, मैं पकौड़े की बात नहीं, आप जाओ, हमारी उम्र है 44 साल, हमारी बेटियाँ 12वीं करके जॉब कर रही है, 22,000 रुपये ला रही है, कैसे नहीं रोजगार है? हम ही रोजगार कर रहे हैं क्या? इससे पहले 10 साल पहले रोजगार सबको मिल गया था क्या? तो बेरोजगार कहाँ से आ गया 10 साल में? सब महंगाई की यात्रा, देखो महंगाई हर बार बढ़ती है, हमने 2.5 किलो कांग्रेस के टाइम में 2.5 किलो आटा खाया हमने भी, और उसी कांग्रेस के टाइम में 22 रुपये किलो, 40 रुपये 30 रुपये किलो भी आटा खाया, तो महंगाई तो बढ़ी। महंगाई के देखो ना कि मात्रा क्यों कर रहे हैं? हाँ, कंट्रोल, इस 10 साल का महंगाई लेवल देखो, उस पिछले 10 साल के महंगाई लेवल मिला लो, दोनों में अंतर है, महंगाई को रोका है, नहीं तो और बढ़ता, इसकी काबू है महंगाई पे, कंट्रोल है महंगाई दर। क्या कहना है सर? देखिए मोदी जी जाके बोल रहे हैं कि अब जैसे से चुनाव आ रहा है कांग्रेस कमजोर पड़ता जा रहा है, कमजोर पड़ रहा है चुनाव। कौन बीजेपी को कह रहे हो? मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस कमजोर पड़ रहा है। उनको गलत फहमी है उनकी विचारों की, अभी तक उतरा नहीं है वो, हार का गम है और कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंदर पहले भी उनकी बहुमत में सरकार नहीं थी, जिसने चौटाला के साथ मिलकर बनाई हुई थी, कांग्रेस की 31 सीटें थी, इनकी 37 सीटें थी, 10 सीटें जिसने चौटाला ने अपनी बात से मिलाकर जब इनकी सरकार बनी थी, क्योंकि टोटल 90 सीटें हैं। तो मोदी जी की क्या, आप तो बीजेपी की वहाँ 20 सीटें आ जाए गनीमत है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर भी मोदी जी ने बोला है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो सिर्फ भ्रष्टाचार आएगा और बेटा भतीजावाद आएगा। इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला ने वहाँ पे 15 साल करा था, उनकी हुकूमत थी जब तो कांग्रेस की नहीं थी, उसके बाद 5 साल आई थी जब कांग्रेस की थी, तो भ्रष्टाचार जिनका था वो जेल में है आज भी, ओम प्रकाश चौटाला, जिसमें चौटाला उनके पोते हैं जिनकी 10 सीटें आई थी, अब कैसे उनकी वो भी अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचारी थे वो तो जेल में है। तो कुल मिला के ये है कि अब कैसे कांग्रेस पूरी बहुमत से आ रही है वहाँ, पूरे फुल बहुमत। क्या कहना चाहते कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार के आने की वजह से हमने ऐसे काम किए हैं जिससे गरीबों को फायदा हुआ है? देखिए, गरीब को तो कुछ फायदा हुआ ऐसा नहीं है, जैसे कि 5 लाख का बीमा जो है, क्या कहते उसको, इलाज जिससे करते हैं,
योजनाएं की बात कर रहे हैं। हाँ योजनाएं कर रहा हूँ, जिससे श्रम कार्ड जैसे हो गया, ठीक है। इससे कुछ यही हुआ कि इससे गन्ना हुआ कि कितने हमारे देश में, हमारे राज्य में बेरोजगार हैं, मगर अभी तक रोजगार नहीं मिला उसमें भी। ये स्कीम चला के भी कोई फायदे नहीं हुए। हम लोग को बोला कि अगर ये कार्ड बनवाओगे तो 1000 रुपये के महीने मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला, मनरेगा कार्ड भी बना है उसमें भी कुछ नहीं मिला। हम लोग बिहार से आके दिल्ली में कमा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा हुआ दिल्ली आके? फिर जब हमारे बिहार में रोजगार मिलता तो मुझे इतने दूर आने का कोई ज़रूरत ही नहीं बनता। अच्छा, लूटने का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस में, मोदी जी कह रहे हैं कि लगातार लूटने का काम किया, अगर फिर आएंगे तो फिर लूटेंगे, जमीन लूटेंगे लोगों को। कौन कौन मतलब? मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस ने लूटने का काम किया है लगातार, अगर फिर से सरकार आई कांग्रेस की तो लूटेंगे। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, सब नेता जो है ना जितने भी, सब अपने अपने फायदे के लिए जनता को मारते हैं। इसलिए जनता को मारते हैं, बीजेपी कहते हैं कांग्रेस कांग्रेस, कांग्रेस कहते हैं बीजेपी बीजेपी, आपस में मरते हैं जनता। जितने भी महंगाई होता है ये जनता, वो जनता की वजह से नहीं होता, ये नेता की वजह से महंगाई होता है। अब देख लीजिए जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें कोई राजनेता का बेटा नहीं पढ़ता है, कोई राजनेता का बेटा नहीं पढ़ता, उसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है। राजनेता का बेटा कहाँ पढ़ता है? अमेरिका में, विदेश में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, थाईलैंड में। जितने भी गरीब के बच्चे हैं उसको पैसा नहीं होने के कारण 100 रुपया कमाता है, उसमें फिर भी 10 रुपया बचा के वो फिर भी सरकारी स्कूल में भेजते हैं बच्चे को, शिक्षित हो आगे बढ़े, मेरा बच्चा कुछ कर पाए। इंडिया में इतना अभी बेरोजगारी है कि हमारे बहुत से दोस्त जो हैं अभी सऊदी अरब जा रहे कमाने के लिए। अगर उतना पैसा यहाँ इंडिया में अगर मिलता ना तो सऊदी अरब नहीं जाने की जरूरत पड़ता, 2 साल माँ बाप से अगर दूर रहना, ये कितना दुख की बात है सभी को पता है। आज हम लोग बिहार से यहाँ दिल्ली आए हैं किस लिए? दुख से आए हैं, तकलीफ से आए हैं। अगर बिहार में हम लोग को रोजगार मिलता ना तो दिल्ली में नहीं आते हम लोग। अच्छा, मोदी जी का भी कहना है कि पूरे दुनिया को पता है कि सबसे तेजी से विकास अगर किसी देश का होना है तो वो भारत का ही होना है, तो सब बोल रहे हैं पूरी दुनिया को पता है। देखिए विकास तो होना चाहिए, वैसे देश वाली बात आ गया ना, तो विकास तो देश का होना ही चाहिए, चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो। जब देश की बात आए तो देश की बात आए तो देश का विकास होना चाहिए, चाहे इसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो। पर सवाल ये कि क्या भाजपा के सरकार में लग रहा है हो पाएगा विकास उस तरीके का? लग तो रहा है थोड़ा बहुत कि विकास होगा, मगर फिर भी कांग्रेस भी ऐसा कुछ कर गया है कि देश में इतना भुखमरी नहीं है कि अगर मोदी जी हट जाए तो देश में भुखमरी आ जाए, ऐसा भी नहीं है। उसने भी बहुत काम किए हैं, उसने भी बहुत देश के लिए काम किए हैं, उसका भी बहुत योगदान है, कांग्रेस का भी। जी, क्या कहना है? देखिए कह रहे हैं मोदी जी की भ्रष्टाचार अगर वापस लाना है तो कांग्रेस की सरकार को लाओ। सही बात बोल रहे हैं, सहमत है कि भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस ने? किसने? कांग्रेस ने क्या भ्रष्टाचार किया है? मोदी जी तो वही कह रहे हैं ना। मोदी जी क्या भ्रष्टाचार क्या कर दिए मोदी जी? मोदी जी ने क्या किया? देखो संसद बनाया, इतना पैसा खर्चा करके उसमें से पानी चूरा है, सही है। जो कोरोना काल चल रहा था उसको किसने बोला था संसद बनाओ? तो अगर देश में अगर विकास होता तो 5 किलो राशन नहीं बढ़ता, सही है, और 111 भुखमरी नहीं रहता है। आलू 30 रुपया किलो खिला रहा है, प्याज 60 रुपया किलो खिला रहा है। अगर विकास होता ना तो इतना महंगाई नहीं होता। गांधी परिवार को सबसे भ्रष्ट परिवार बता रहे हैं कौन? मोदी जी। मोदी जी का है क्या देश में? क्या किया मोदी जी ने? किसी ने देश को अपना परिवार बताते हैं? देश में परिवार किसी ने जान दिया है? किसी ने शहीद हुआ है देश के लिए? मोदी खानदान का किसी ने शहीद हुआ है? तो वो तो बोला मैं झूला उठा के चल देंगे, तो हिंदुस्तान में बंदा है ना ऐसे ऐसा कहेंगे उसका झूला भी तलाशी होगा। अच्छा। ये झूला में क्या भर के ले जा रहे हिंदुस्तान का? उसको झूला लेके भी जाने नहीं दूंगा। मुझे कहते हैं जनता मुझे अपना समझती है, अपने घर का समझती है। जनता अगर अपना समझती है तो पूरा बहुमत से आता और पूरा अपने समझता है। पहले जैसे कानून बिल पास नहीं कर पा रहा है, अभी कितना बिल आपस ले लिया उसने। क्या कहना है सर? देखिए बोले सहमत है इनकी बात से। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर रोजगार को बढ़ावा देना है तो हमारी सरकार चाहिए। इनकी सरकार क्या बदलती अच्छी रहती है?
सरकार बदलती ही अच्छी रहती है ना, बदल जाए तो अच्छी, कपड़ा भी अच्छा नहीं रहता पहनता हुआ, एक सा तो कपड़ा भी अच्छा नहीं लगता, बदलता हुआ सब चीज अच्छी लगती है। पर मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि 3 साल हमें अभी लाया है, जनता ने प्यार है, काम देखा है हमारा, कुछ नहीं दिखाया, बस कुछ नहीं दिखाया भाई, मैडम इतना ही बोल रहा था, हम तो हम सीधे साधे आदमी अनपढ़, इन्होंने कुछ नहीं करा। क्या कहना देखिए, भ्रष्टाचारी बता रहे कांग्रेस को मोदी जी, हम कुछ नहीं कह सकते अभी। मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी, अगर भ्रष्टाचार को वापस लाना है तो कांग्रेस को लाओ, सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस, हो चाहे बीजेपी हो, सारे अधिकारी पैसे लेते हैं हर काम के, ठीक है, उसके अलावा जैसे अब देखो ऐसी है, जनता को तो कमा के खाना है, जो भी जनता है ना उनको तो कमा के खाना है, ये कई कई बातें हो गई कि भाई इतने प्लस रहेंगे तो हम ये करेंगे, इतने प्लस रहेंगे तो हम ये करेंगे, प्लस थे आप, कर सकते थे उस समय, जो भी नियम कानून बनाने थे आप प्लस थे, अब तो 400 पार से भी नीचे आ गए, पहले तो प्लस थे उल्टा 2 बारी में, तो अभी जो भी सफाई अभियान चलाओ, वो चलाओ, ये कचरा आपके सामने दिख रहा होगा, ये देखिए, तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है, नियम बनाने से कुछ नहीं होता, नियम के क्रियान्वयन होना चाहिए, वो नियम अगर बनाते हैं ना, केंद्र को कानून बनाता तो उसको सुचारू रूप से लागू करो, उसके लिए अधिकारियों को लोगों जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा, जनता को सिखाना पड़ेगा। तो मोदी जी लग रहा है जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तो विदेश में दिखाई देते हैं, नहीं आते जनता के सामने, इलेक्शन होता है तो बात है भाई, कोई नहीं आते हैं, कोई भी सरकार हो जनता को तो कमा के खाना है, जनता का पेट कोई नहीं भरता है, ठीक है ना। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमने कुछ ऐसे काम किए जिससे गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, कोई नहीं हुआ, हमारे गांव के अंदर राजस्थान से मैं हूँ, हमारे गांव में पीएम आवास के अंदर 4 साल से उनके सेक्शन हो रखे हैं, मकान गरीबों के मकान तक नहीं बन रहे, सेक्शन हो रखे हैं, पंचायत बोलती है कि आपके सेक्शन हो गया है, बजट नहीं है, बोले पक्के घर देने का जो वादा कर रहे थे मोदी जी झूठ है, हमारे गांव में तो अभी तक नहीं हुए, बहुत कम हो रहे हैं, अगर 50 थे तो उसमें से 5 हुए, 45 नहीं हुए, उनको बोल रहे हैं, अब वो बेचारा कितने साल इंतजार करेगा, उसे घर में शादी होती है, बच्ची की शादी होती है, बच्चे की शादी होती है, तो उसको तो घर बनाना पड़ेगा, वो जैसे ही घर बनाता है उस समय उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इसका तो घर बना बनाया है, ये हकीकत, ये गांवों की बात है मैडम। अच्छा, रोजगार को बढ़ावा देने की बात करें कि रोजगार को बढ़ावा देना है तो उनकी भाजपा सरकार को ही लाना पड़ेगा, तभी होगा बढ़ावा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वहाँ पर रिफाइनरी डली है बाड़मेर में, रिफाइनरी के अंदर लोकल को किसी को वहाँ राजस्थान से किसी को कुछ नहीं किया, सिर्फ विधायक है जो रविंद्र सिंह भाटी, वो वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं कि इस रिफाइनरी के अंदर लोकल को रोजगार मिले, लेकिन सरकार की तरफ से वहाँ पे लोकल को कोई रोजगार नहीं है, सब बड़े बड़े ठेकेदार आए हैं, बाहर के ठेकेदार हैं और उनके अंदर में काम चल रहे हैं। अच्छा, लूटने का भी आरोप लगाया कांग्रेस पे कि कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो लूटेगी जैसे 2014 से पहले लूटती थी, कांग्रेस ने बहुत लूटा देश को, ठीक है, और बीजेपी में भी जैसे अगर मोदी जी यहाँ से 100 रुपये देते होंगे ना, वो गांव तक 10 रुपये पहुँचते हैं, वो भी 10 रुपये पहुँचते हैं गांव वाले, पंचायत के अंदर से यहाँ से 100 रुपये भेजे अगर किसी पंचायत को, तो वहाँ आते आते वो 20-25 रुपये पहुँचते हैं, और जो काम में लगते हैं ना गांव में, वो 10-15 रुपये का काम होता है। तो भाजपा तो अपने आपको साफ सुथरी पार्टी बताती है, नहीं वैसे देखो मैं हूँ, अब मैं अच्छे बोल दूंगा मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, आखिर तो जनता बताएगी तब होगा ना। क्या कहना है, ऐसा देखिए कह रहे रोज।